खबर बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत बालसमुंद सेवा सहकारी समिति से है, जहां से वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। सरपंच पति तुलसीराम साहू के साथ ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर रणवीर शर्मा से मुलाकात कर शिकायत जांच कर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि ग्राम बालसमुंद सेवा सहकारी समिति पंजीयन में समिति प्रबंधक बलराम बांधे एवं समिति प्राधिकृत अध्यक्ष रमेश राजपूत द्वारा वार्षिक आम सभा की बैठक रखी गई थी, जिसमें ग्रामीण के शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष एवं प्रबंधक से समिति में आय व्यय की जानकारी मांगी। ग्रामीण किसानों ने इस बारे में बताया कि वार्षिक आम सभा की बैठक समिति में रखी गई थी, जिसमें आय व्यय संबंधित चर्चा की गई है। मेरा नाम तुलसीराम साहू है, ग्राम बालसमुंद से हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए हैं शिकायत के लिए। कल हमारे ग्राम बालसमुंद में समिति में आम सभा का आयोजन किया था किसानों द्वारा, और उसमें जब आय व्यय के बारे में किसानों के द्वारा जब पूछा गया, उस समय समिति प्रबंधक और समिति अध्यक्ष द्वारा आय का तो जानकारी ठीक से दे दिया, लेकिन जब खर्चे के जब जानकारी किसानों द्वारा पूछा गया तो उस समय वो लोग सही जवाब नहीं दिया पाया, और सभी के सामने, सभी किसानों के सामने मतलब उसका जो भी मतलब फर्जीवाड़ा हुआ है उसको वहाँ पर खुलासा हुआ, और उसी फर्जीवाड़ा को लेकर हम लोग आज कलेक्टर ऑफिस आए हैं। कितने लाख का लगभग लगभग इसमें 10 से 12 लाख का इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। उसमें इस प्रकार का है कि जैसे भूसी दो गाड़ी आया है, उस भूसी को 6 गाड़ी का बिल निकाला हुआ है। 10 क्विंटल का सुतली लाया है, उसको 24 क्विंटल सुतली बताया गया है, उसका बिल निकाला हुआ है। इसी प्रकार कम से कम हम लोग को 30 से 35 बिल दिखाया, उसमें हर बिल में पूरा फर्जीवाड़ा मतलब किया हुआ है। मेरा नाम